पाकिस्तान की नीच हरकत का भंडाफोड़, भारत के खिलाफ रच रहा था बड़ी साजिश। दरअसल अपने मुल्क में आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो हमेशा आतंकियों की फौज तैयार करके भारत के खिलाफ कायराना हरकत को अंजाम देता रहता है, लेकिन भारतीय सेना भी पाक के इन आतंकी वायरस का मुंहतोड़ जवाब देती है और आए दिन उन्हें मौत के घाट भी उतारती रहती है। फिर भी बुजदिल देश पाकिस्तान सीमा पार अपनी संदिग्ध गतिविधियां पैदा करता रहता है, लेकिन अब पाकिस्तान की ऐसी घिनौनी हरकत का पर्दाफाश हुआ है जिसके बारे में जानकर हर भारतीय का खून खौल जाएगा। दरअसल माओवादियों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ पुलिस ने उत्तर बस्तर के कांकेर में मुठभेड़ के बाद माओवादियों के पास से G3 राइफल समेत अन्य हथियारों गोला बारूद बरामद किया है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि माओवादियों के पास से जो राइफल बरामद हुई है उसको पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल करती है, जबकि भारतीय सेना ऐसी राइफल का इस्तेमाल नहीं करती है। माओवादी के पास से विदेशी बंदूक बरामद होने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं। साथ ही ये भी बात सामने आई है कि जो राइफल बरामद की गई है उसे जर्मनी के हेकलर एंड कोच कंपनी बनाती है। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आतंकी संगठन माओवादियों के संपर्क में है। इनका एजेंडा भारत में कानून और व्यवस्था को बिगाड़ना है। पाकिस्तानी सेना और उसके आतंकी संगठन खालिस्तानी आतंकवादियों समेत इनसे जुड़े अलगाववादी संगठनों को हथियार और गोला बारूद गैर कानूनी तरीके से उपलब्ध कराते आ रहे हैं। माना जा रहा है कि अब पाकिस्तानी सेना और उसके आतंकी संगठनों ने माओवादियों को भी हथियार और गोला बारूद उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। बता दें कि यह दूसरी बार है जब माओवादियों के पास से पाकिस्तानी सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली G3 राइफल बरामद हुई है। इससे पहले पिछले साल छत्तीसगढ़ पुलिस ने सुकमा में मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के पास से G3 राइफल बरामद की थी। बता दें कि हाल ही में झारखंड के सरायकेला में पुलिस की गाड़ी पर नक्सली हमला हुआ। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए। दरअसल झारखंड के सरायकेला में बाइक सवार हमलावरों ने पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जिस गाड़ी पर हमला किया उसमें 6 पुलिसकर्मी सवार थे, जिसमें 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस हमले से कुछ दिन पहले ही झारखंड के सरायकेला में एक नक्सली हमला हुआ था। यहाँ कोचाई इलाके में 209 कोबरा बटालियन और झारखंड पुलिस की टुकड़ी पर नक्सलियों ने IED धमाका किया था। सुरक्षा बल और पुलिस का दस्ता स्पेशल ऑपरेशन पर था। इसी बीच IED धमाका हुआ जिसमें कोबरा बटालियन और झारखंड पुलिस के 15 जवान जख्मी हो गए। जवानों की गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें रांची एयरलिफ्ट किया गया। अब सवाल ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान की सेना की राइफल माओवादियों के पास से मिली है, बाकी सेना को सेना कहना कहां तक उचित है। VK News की रिपोर्ट।